What's up people, back again on vlog. This is Jadeep Sharma and you are watching JD's vlog. वापस आ गए अब एक और नया vlog लेके, जय माता दी। तो ठीक है बॉस, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है और अपन ऑलरेडी लेट हो चुके हैं एज यूजल। 8:12 हो रहे हैं, तो ठीक है थोड़ा सा आगे लगाते हैं, नहीं तो ना ये लड़ाई करती हैं गाय माता आपस में और फिर क्या होता है, निपट अपन जाते हैं। आ जाओ, आराम से। और ये हाँ, तो ठीक है बॉस, सबका बेस्ट फ्रेंड एक एक होता है, मेरे 2-3 बेस्ट फ्रेंड है। आज उसका रिसेप्शन टाइप मान लो, कुछ भी मान लो, अवनीश जो है मेरे स्टाफ का, जिसके साथ मैंने बहुत सारी ट्रिप करी है, पौली गए थे, वैष्णो देवी गए थे, गोवा गए थे, तो फाइनली उसकी शादी हो रही है और मैं यहाँ से जाऊँगा 100-120 किलोमीटर, जो कि प्रभात भैया का घर है और उसी से 4-5 किलोमीटर आगे अवनीश का घर है। तो मैं, नीरज और प्रभात भैया साथ निकलेंगे यहाँ से, वो दोनों ड्यूटी, नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, प्रभात भैया और नीरज, एंड मैं उनको सिग्नेचर ब्रिज पे मिलूँगा। तो ठीक है बॉस, थोड़ा जल्दी करते हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं भगाएंगे बट ज़्यादा स्लो भी नहीं चलेंगे। यहाँ से तो नहीं लगेगा, चलो चलो। Okay. I don't know angle कैसा आ रहा है यार, please adjust कर लेना। तो बॉस हाथों की जो है बैंड बजने वाली है, because मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ग्लव्स भूल गया। एक्चुअली क्या है, जब मैं जल्दी जल्दी में होता हूँ ना कुछ तो डेफिनेटली भूलता हूँ। अभी बज रहे हैं 8:22 और अभी तक प्रभात भैया ने फोन नहीं उठाया। मैंने मतलब 2 बार फोन कर लिया है अभी ऑन द वे, बट उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसका मतलब वो अभी सिग्नेचर ब्रिज नहीं पहुंचे हैं। पहुंचे होते तो डेफिनेटली कॉल करते और 4 गालियाँ सुनाते, बट ठीक है पहले अपन पहुँच जाएंगे और बोल देंगे आधे घंटे से खड़ा हूँ मैं। सो बॉस फाइनली अपन पहुँच गए हैं और अपने को लगाना है साइड में बाइक, बिकॉज उनका वेट जो करना है यहाँ पे और अभी तक आए नहीं है भाई साहब, अब मुझसे गाली सुनेंगे दोनों के दोनों। सो भाई साहब इतनी तेज चिल्लाया भाई साहब, मेरी फट के हाथ में आ गई। कैसे हो? अरे संजीव भाई है, संजीव भाई भी उधर ही जा रहे हैं क्या? एमरी ग्रीन कैसे हो गए? वो कहाँ है सांड? अभी आए ना, 8 बजे पहुंच जाऊंगा। फोन भी नहीं उठा रहे। हाँ चल लो, इनकी शक्ल देखा करो, कैमरा देखने के बाद कैसी हो जाती है। जो जो इतनी देर लगती है, तू चलाएगा? अरे यार मेरे को चला लेते, अभी मैं जरा फ्रंट पे लगा रखा है। तो बॉस अपन पीछे बैठ के व्लॉग बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि मैं बाइक चलाऊंगा कुछ भी हो जाए, और शीशा थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि मैं भी दिख जाऊं। हाँ, और ये बैठे प्रभात भैया अपने फ्रेंड के साथ, और आगे जा रहे हैं हमारे गौरव भाई और संजीव भाई। शायद आवाज नहीं आई होगी, तो प्रभात भैया इसको कह रहे हैं कि दाढ़ी कटवा ले, कैसे दाढ़ी कटवा रखी, मतलब कैसे बढ़ा रखी, बालक डर जाएंगे वहां पहुंचते ही। तो बॉस फाइनली द बोर्ड इज कम और थैंक्स विजिट अगेन। प्रभात भैया कह रहे हैं तू घर पहुंच, तेरे को बताता हूँ। ऑफ रोड देख रहे हो, ऑफ रोड अभी एक्चुअली क्या है, सब खोद खाद के ना नहीं बना रहे हैं, ऊपर तो रोड बन गई है, अब नीचे भी थोड़ी तैयारियां चल रही है। बस फाइनली गांव के खेत जो है शुरू हो गए हैं, विद कच्चा रास्ता, मिट्टी, सब कुछ शुरू हो गया है। दिल्ली में जो फ्लोर्स टाइप बनते हैं भाई साहब, यहाँ पे तो 100-150 गज से नीचे का कोई घर ही नहीं होता गाँव में। आधा घंटा हो गया इस रास्ते पे चलते चलते और हालत ऐसी हो रही है, एक चलाने पे और एक पीछे बैठने पे बहुत डिफरेंस है भाई साहब। एक तो इतनी भट्टी है यहाँ पे, इतनी भट्टियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस जहाँ देखो ईंटों की भट्टी है, मतलब जहाँ कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें बनती है ना, जो ईंट आती है हमारे। बहुत थोड़ी सी अपनी टर्न आई है और
बॉस फाइनली 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 अपन चला रहे हैं और मैं थोड़ा सा आगे होके बैठूंगा बिकॉज मैंने बैग टांगा हुआ है और नीरज को होगी प्रॉब्लम। पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना आशिक रहना। ओ सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। ओ तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। तो बहुत चलो इसी बहाने हमारी गाड़ी 50-55 पे तो चल रही है, वरना 70-80 से नीचे चलती नहीं है। हर जगह गन्ने ही गन्ने लगे हैं, गन्ने ही गन्ने, मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गन्ने जो हैं यूपी में लगते हैं और पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं, पूरे इंडिया में, यहाँ भी सामने भी। और खेती सबसे ज्यादा पंजाब में होती है, मतलब ऑल ओवर खेती मिक्स सबको मिलाया जाए तो सबसे ज्यादा पंजाब में होती है, और गन्ने अगर मिलाए जाए तो सबसे ज्यादा यूपी में होते हैं। नीरज कह रहा है भाई साहब वो मेरे को चलाने थे, मैंने बोला तू ही चला यार, ला नहीं तो तेरी तो फटके हाथ में आ जाएगी। ये क्या है ना, इस ये जो सीट है इसके इसके लिए पूरी नहीं हो पा रही है। बैठ गया ना। हाँ अब ठीक है बैठ। ठीक है बॉस, नीरज को मैंने बोला प्रभात के घर में तो मैं ही घुसाऊंगा बाइक, यही वाला है ना। हेलो हेलो, पहचाना नहीं, कौन हूँ? जयदीप भैया। बहुत बढ़िया, और ये कौन है? सॉरी शक्तिमान। तो ये पूरा प्रभात भैया के घर है और हम जाएंगे ऊपर, जैसे ओली पे गए थे, मतलब ओली जाने से पहले यहीं स्टे किया था। वो कहाँ है भाई, कहाँ है? कहाँ गया? मैरिज होम में। अच्छा यवनीश भी आके वहाँ? अच्छा अच्छा यहीं। तो ठीक है बॉस, थोड़ा कैमरा जो है गंदा हो गया है, तो प्रभात भैया कह रहे हैं मेरे बच्चे भी तो इन्वाइटेड हैं दोनों साइड से, क्योंकि यवनीश की होने वाली जो हमारी भाभी हैं वो इनकी मैम है, वो इनकी मैम है इसकी और इसके भाई की जो कि प्रभात भैया के बच्चे हैं, और हम यवनीश भैया की साइड से इनवाइट है। बस किस्मत अच्छी है यार बच्चों की। बच्चे बोलते हैं कि यवनीश भैया की बहन है वो। ये प्रभात भैया ने उनके वहम डाल रखा स्टार्टिंग से। कटवाले भाई दाढ़ी देखो कैसी हो रही है, पागल है क्या तू? तो पागल है क्या? क्या कह रहे हो, उसका पेट तो आ जाता उड़ेगा के। यवनीश के घर के लिए, और पता नहीं आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट प्रभात भैया को बहुत अच्छा लग रहा है पीछे बैठ के। प्रभात और ये वही रास्ता है जो ओली जाते टाइम एक बार मैंने प्रभात भैया का ट्रैक्टर चलाया था भाई, ये चेयर पे भी नहीं आ रहा है। इन दोनों को भाई साहब काम तो है नहीं, ये अब बैठे और ये अब बैठे, हद हो गई है मतलब प्रभात भाई। ठीक है बॉस फाइनली 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 पहुंच गए हैं हम। कौन खड़ा है हमारे सामने? लांडे। ठीक है तू भाई लॉगिन करो। हाँ जी और बढ़िया, कहाँ पे है? धन्यवाद। क्या फोन को देख रहे हो, दूल्हे को देख रहे हो कितना परेशान हो रहा है? ये कौन है? तू वापस आ जा, मैं चलाता हूँ, हट मैं चलाऊँ? ना मैं चलाऊँ, हट जा। हाँ छोड़ दे इनको, सामान उतरवा दे सारा, वहाँ जा रहा हूँ मैं। ठीक है सारा सामान उतरवा दे गाड़ी से। अच्छा ठहर जा ठहर जा। तो ठीक है बॉस, बहुत सारे पुराने स्टाफ से मिल रहा हूँ तो अच्छा सा लग रहा है। वादे दिए कितने वादे दिए,
याद सताए रात राय, तेरी याद सताए रात राय। How could you leave, leave, leave बिन तेरे किड़ दा, दा, दा। How could you leave बिन तेरे किड़ दा। How could you leave। भाई साहब बहुत बहुत ज्यादा टाइम बाद मिल रहे हैं। रश्मि पाठक का पायलट रह चुका है, पायलट रह चुका है भाई साहब, सबका, सारी लड़कियों का पायलट रह चुका है ये। अभी ये देखो, ये भी कम नहीं है। जितनी लड़की है ना, सबके पायलट रह चुके हैं ये, सबके पायलट। एक बार हमारे दोस्त जमनीश की शादी है, एक बार 3-0 दी थी इन्होंने मुझे। मैं RML की कॉल पे गया था भाई साहब, उसी टाइम कॉल पहुंच गई बबलू के साथ। अरे बबलू ये तो रोज का सांग हो गया रे। तो ठीक है बॉस, अवनीश की गाड़ी आ गई है, बंसल भाई हमारा वेट कर रहे थे। अब प्रभात त्यागी जी हमारे साथ हैं, सब जानते हैं सारे के सारे। तो ठीक है बॉस, एंट्री कर रहे हैं। आई थिंक अवनीश आ चुका है। हेलो, थैंक यू। तो ये यमनीश की दीदी थी, गौरव भाई साथ में अपने। तो ठीक है बॉस, ये अवनीश आने वाला है, सारे के सारे वेट कर रहे हैं अंदर। हमने डांस कर लिया, बाकी प्रभात भी और मैं देखने आए हैं कि कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं पहुँचे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो वेट कर रहे हैं हेमंत सत्यम के साथ आने वाला है अवनीश। तो ठीक है, मैं और प्रभात भाई वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे के सारे कैट्स एम्बुलेंस के स्टाफ है भाई साहब, एक बंदा ना हो ना तो कैट्स एम्बुलेंस ना चले। इनको भाई साहब को टेंडर बना रखा है, जिन जिन को सेवा चाहिए वो वाली। घनश्याम का एक डायलॉग बोलूंगा जो प्रभात भाई हमेशा बोलते हैं, भाई साहब एक कॉल आई इरफान भाई की गाड़ी पे 3-0 पे, और मैं उस लेके गया RML पहुंचा, और प्रभात भाई बोलते हैं कि घनश्याम RML मिला, और घनश्याम ने सीधे बबलू को फोन किया, और घनश्याम ने बबलू को बोला ओ भाई ये तो रोज का सांग हो गया रे। इसकी स्माइल देखो, इसकी चांदी चांदी। भाई साहब देख रहे हो, फर्स्ट पे ये बेस्ट फ्रेंड है, सेकंड पे मैं हूँ, और सत्यम भाई है। और भाई साहब फाइनली लव है बनाओ। कुछ यू लीव 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 बिन तेरे किड दा दा दा। हाउ कुड यू लीव बिन तेरे किड दा। हाउ कुड यू लीव।